हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बच्चों को क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, यही सोच सोच कर माँ बेहद परेशान रहती है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ हम आपको हर दिन का डाइट प्लान बनाकर दे रहे हैं। इसके अनुसार ही अपने बच्चे को दिन भर आप खिला सकती हैं। इसकी मदद से वह तेजी से विकास करेगा और हमेशा ऊर्जा से भरा रहेगा। इतना ही नहीं, उसे सभी जरूरी पौष्टिक तत्व भी मिलेंगे। ये डाइट प्लान खासकर शाकाहारी बच्चों के लिए लाभकारी है। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं 2 से 3 साल के बच्चों का भोजन चार्ट। नंबर 1, डेयरी उत्पाद। दही, दूध और पनीर सभी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कैल्शियम मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। यदि आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी है तो डेयरी उत्पाद का सेवन उन्हें जरूर करवाएं। नंबर 2, गाजर। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, ऐसे में पालक, केला और अन्य सब्जियों में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अपने बच्चे के आहार में विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। ऐसा करने से उनके हड्डियों के विकास में मदद मिलेगी। नंबर 3, खट्टे फल। नींबू और संतरे विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्किन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन सी मसूड़ों, रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में मदद करता है। आप अपने बच्चे को अमरूद, आम, केला, टमाटर और साथ ही खट्टे फल खिला सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें फायदा ही होगा। नंबर 4, केले। मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों तत्व जो हृदय के स्वास्थ्य और मांसपेशियों के लिए आवश्यक हैं। केले में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों ही बहुत ही लाभकारी होते हैं, जो वह बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तो अपने बच्चे के आहार में खाद्य पदार्थों को शामिल जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।